नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मीठा मीठा बथे कमरिया के बारे में कि लोग अफवाह क्या फैला रहे हैं, ठीक ना? ये बात तो एकदम निश्चित है और सच है, ठीक ना, कि उस गाने में प्रमोट किया गया था, उस गाने में पेमेंट लगाया गया था, उस गाने में पैसा फंसाया गया था। अब पैसा पवन सिंह फंसाए, चाहे स्टूडियो वाला चाहे कंपनी वाला उस गाने में एड लगवाए, लेकिन एड लगाया तभी उस गाने का व्यू भागा। और खेसारी लाल यादव का जो गाना रिलीज हुआ था ललकी टिकी हुआ, जिसे अंतरा सिंह, प्रियंका और खेसारी लाल यादव ने गाया था, गाना एक दिन हुआ था रिलीज हुए, मतलब रिलीज मतलब बिना बताए रिलीज हो गया था गाना, कोई अचार प्रचार नहीं, ठीक ना? जैसे लोग बोलते हैं ना कि पवन सिंह का गाना बिन बताए रिलीज हो गया इसलिए व्यू कम है, लेकिन मैं बता दूंगा आप लोगों को कि क्या सच है। उस गाने में मीठा मीठा बथे कमरिया जो गाना गया, उस गाने में सबसे पहले पेड प्रमोशन कराया गया, पेमेंट लगाया गया, तब उतना गाने का व्यू भागा है, ठीक ना? एगो छोटू चिंगारी का के मोटा चिंपांजी है वो, छोटू क्या नाम है, क्या नाम बोले, चिंगारी, चिंगारी नहीं चिड़ई है, चिड़ई कौआ वह बकरी जैसा बोलता है, बकरी जैसा बोलता है, बकरी जैसा बोलता है ना भैया, हम वीडियो मैंने मेमाता है वो बोलता है कि चलो पवन सिंह का जो गाना है वो गाना यूट्यूब पे एड लगा के हिट करा गया, लेकिन टिकटॉक पे वो गाना गर्दा उड़ा के वायरल हो गया है। और बोलता है कि आपका बहन और भौजाई नाच रहा है उस गाने पे, तुम्हारा भौजाई और बहन नाच रहा होगा और तुम्हारा पूरा खानदान नाच रहा होगा, ठीक ना? हम लोग नहीं नाच रहे हैं और ना हम लोग का माँ बहन, तुम लोग का माँ बहन नाच रहा है क्योंकि तुम इस वीडियो को देखा, ठीक ना? कचड़ा आदमी मोटू, तुम मर जाएगा तो तुमको उठाएगा कैसे रे? 10 गो आदमी मिलकर उठा भी नहीं पाएगा, कम से कम शरीर का वजन कम करो। भगवान तो सूरत अच्छा नहीं दिया, कम से कम दिल तो अच्छा रखो। बोलने तो पहले सीखो तुम रे मोटा आदमी गधा। भगवान एक जरा मतलब क्या बोले आपको, इतना बड़ा गधा है कि बोलता है वो गाना टिकटॉक पे एकदम पूरा वायरल हो गया, ये हो गया वो हो गया, वायरल किसको कहता पूछता है रे? सुपर हिट किसको कहता जानता है तुम रे पगलवा? तुम लोग एक ही चीज जानता है, दूसरा का मां बहन करने। तुम लोग जितना पवन सिंह का चमचा लोग जो वीडियो बनाता है, तुम लोग दूसरा का मां बहन करने जानता है, और दूसरा खेसारी लाल यादव के गाना में रिपोर्ट मारने जानता है, और तुम लोग कुछ नहीं जानता है, ठीक ना? केहू ना बा केहू से कम, केहू नहीं खे केहू से कम, खेसारी लाल यादव पिए ले ठंडा और पवन सिंह पिए ले रॉन्ग, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पियक्कड़, ठीक ना? तो अपना हैसियत में रह के बोलो, अपना औकात में रह के बोलो। तुम क्या बोल रहा है? तुम्हारा माँ बहन लोग टिकटॉक पे डांस कर रहा है, हर बेशरम आदमी कमीना आदमी, तुम्हारा माँ बहन यूट्यूब पे टिकटॉक पे डांस करता हुआ, हम लोग का परिवार नहीं, ठीक ना? अपना औकात में रह के बोलो ठीक रहेगा। और तुम अपना मुंह से खुद बोल दिया कि गाना पेड प्रमोशन यूट्यूब पे करवाया गया था, लेकिन टिकटॉक पे तो नहीं कराया गया था। कौन तेरा गाना टिकटॉक पे डांस किया बताओ ना रे? तुम्हारा जीजा और तुम्हारा साली लोग किया होगा, समझा रे बेशरम आदमी? तुम्हारा माँ बहन डांस किया होगा उसमें, जो तुम दूसरा के माँ बहन के बारे में बोल रहा है, समझा? अपना औकात में रह के बोलो। कुछ भी आता है, भैया आप वीडियो क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए, हम टिकटॉक पे वायरल थे, बिजी थे, कई लोग सुने, बहुत बड़ा हंगामे कर दिया। कुछ नहीं जानता तुम रे, सब जानता तुम, लेकिन मोबाइल में नेट पैक रहेगा तब ना तुम बनाएगा। मोबाइल में तेरा नेट पैक रहेगा तब ना तुम बनाएगा। तुम्हारा कुछ ये है महेश पांडे का फोटो लगा के, महेश पांडे जब तक तुम अपना टैग में नहीं लिखेगा तेरा वीडियो को देखेगा नहीं रे, ठीक ना?
और तुम जितना महेश पांडे का वीडियो बनाया, जितना भी महेश पांडे का वीडियो बनाया, देखो सबसे अधिक व्यू उसी में है। तुम लोग खेसारी लाल यादव का जब तक बुराई नहीं करेगा तुम लोग का कुछ नहीं दाना पानी चलने वाला है। तुम लोग यूट्यूब से 2 पैसा कमा के माँ बहन, मतलब दूसरा का माँ बहन करके रोटी बेटी करके तुम लोग कमाने वाला है रे, समझा? तुम लोग कोई वजूद नहीं है तुम लोग का, जो तुम लोग दूसरा का माँ बहन करता है। शर्म आना चाहिए तुम लोग को, यूट्यूबर अपने आप को बोलते हो। खेसारी लाल यादव का जो गाना था हाइल के सैंडल, उतना एक बार तुम लोग जान जाओ, ये जो गाना है अभी 1 मिलियन भी पार नहीं ना किया है। तुम लोग को लगता होगा 1-2 मिलियन अभी पार किया होगा, हार्डली अभी 2 मिलियन छोड़ो, लेकिन ये गाना खेसारी लाल यादव का कब ट्रेंड कर जाएगा, कब तुम लोग का फाड़ के धर देगा, ये कहना मुश्किल है भाई। ठीक ना, ये गाना कब ट्रेंड कर जाएगा, कब तुम लोग का फाड़ के धर देगा पता भी नहीं चलेगा। 2 गो रखले बानी भीतरे गया, नंबर ब्लॉक चल रहा भीतरे गया, कहाँ विदेश में शूटिंग किया था, क्या हुआ भीतरे गया। और खाली महेश पांडे बोल दिया कि गाना में प्रमोशन कराया गया है, इसी में तुम लोग का फट गया एकदम 100% गाना में प्रमोशन कराया गया था। ठीक ना, और महेश पांडे पहले भी बोला था एक बार और, कमरिया हिला रही है, उस गाने में भी प्रमोशन कराया गया था, उसमें भी गूगल एड लगा के उस गाने को वायरल किया गया था। ठीक ना, ये तो अब पियक्कड़ स्टार का जमाना जब्त हो गया है। ठीक ना, और हम पवन सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही तुम लोग से दुश्मनी है। ठीक ना, जितने भी पवन सिंह के फैन हैं उनसे मुझे दुश्मनी नहीं है भैया, लेकिन ये लोग जो है चुतियापन करते हैं, इसलिए हमको ये सब वीडियो बनाना पड़ता है। नहीं तो जाके देखिए, हम पवन सिंह का वीडियो नहीं बनाया क्या, कमरिया हिला रही है, उसको भी गाने को हमने प्रमोट किया, भले क्या व्यू आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम खेसारी का फैन है। ठीक ना, और खेसारी के बारे में जो गलत बोलेगा, जो भी खेसारी के बारे में गलत बोलेगा उसको जवाब दिया जाएगा। ठीक ना, वो बोला था कौन चीज, खेसारी देवी है, उसको अभी भी बोल रहे हैं घर का टेस्टर भेज लो, खेसारी देवी है देवा है कि बेबा है कि गुलाबो है, पता चल जाएगा तुमको। ठीक ना, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा भैया, और जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग सुधर जाओ। ठीक ना, नहीं तो तुम लोग के लिए जवाब देने के लिए हम लोग हैं। ठीक ना, पवन सिंह बोलता है समझा, क्या इसे कोई किसी को धमका के समझाया जाता है जी? जैसे मान लीजिए आप हमको फोन करिएगा, तुम लोग का औकात क्या हमको पता नहीं है रे, ये वो नंबर 108 जगह शेयर करता है, अपना फोन करके क्या को नंबर दिया हमको तुम लोग। खैर उससे बात खत्म करो, बात मैटर खत्म हो गया, लेकिन जो है अपना औकात में रहो, जो जो फालतू गिरी कर रहा, कचड़ा गिरी कर रहा। ठीक ना, इस वीडियो को भैया अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, आई लव यू।